लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर यूनिस खान आज 40वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने मई 2017 में ही क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। यूनिस पाकिस्तान के ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके नाम टेस्ट क्रिकेट के तमाम बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं। साल 2000 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने वाले यूनिस ने दमदार डेब्यू किया, लेकिन कुछ सालों बाद ही फैमिली में एक के बाद हुई कई मौतों ने उन्हें झटके दिए। हालांकि यूनिस इन सबसे टूटे नहीं, बल्कि उन्होंने खुद को और मजबूत बना लिया। यूनिस खान के परिवार में 2005 से 2006 में कई हादसे हुए। उन्हें पहला झटका 2005 में लगा, तब वो ऑस्ट्रेलिया टूर पर थे और पिता के निधन के कारण उन्हें स्वदेश लौटना पड़ा था। इसी साल इंग्लैंड टूर से भी यूनिस बीच में ही लौट आए थे, क्योंकि उनके बड़े भाई की मौत हो गई थी। 41 साल की उम्र में मोहम्मद शरीफ खान का यूक्रेन में एक कार एक्सीडेंट हो गया था। यूनिस के अनुसार उनके बड़े भाई ने ही उन्हें क्रिकेट सिखाया था। परिवार में दो मौतों के बाद यूनिस को तीसरा झटका दिसंबर 2006 में लगा, तब उनके छोटे भाई की जर्मनी में कार एक्सीडेंट में मौत की खबर आई। तब वो वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रहे थे। मई 2011 में उनके एक और बड़े भाई का निधन हो गया। उनके भाई जर्मनी में गुजर गए थे। इसके बाद अगस्त 2014 में यूनिस के भतीजे की भी डेथ हो चुकी है।